तो हम अभी पिछले क्लास में एग्रीकल्चर में हम पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, और ऑर्गेनिक फार्मिंग में लिक्विड बायो फर्टिलाइजर के एप्लीकेशन पढ़े थे। और फिर उसके बाद से लिक्विड बायो फर्टिलाइजर के एप्लीकेशन के बाद से हमने पढ़ा था रिलेशनशिप ऑफ मून एंड फेजेज ऑफ मून विद द एग्रीकल्चर एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, ये वो कैसे इफेक्ट डालता है मून, और जो मून के दो फेजेस होते हैं, फर्स्ट फेज एंड सेकंड फेज, जिसमें फुल मून और न्यू मून होता है, इन दोनों फेजेस में कैसे चेंजेस आती हैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में, कौन कौन सी चीजें हमें उस ड्यूरेशन में करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, सारे पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, जब हमें बताया था कि जब पूर्णिमा का जो टाइम होता है, यानी कि जो फुल मून का जो आसपास का टाइम होता है, उस टाइम में हमें क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग नहीं करनी चाहिए। उस टाइम पे जर्मिनेशन की स्पीड बहुत फास्ट होती है, तो उसमें हमें सीड्स क्या करना चाहिए, सोविंग करने के लिए बहुत ही बेस्ट टाइम होता है, ये सारे एक्टिविटीज करने के लिए अच्छा टाइम होता है उस टाइम पे। और ठीक इसके अपोजिट होता है कब, जब न्यू मून का टाइम होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें पढ़ी थी। अब हम आगे, हमारा जो मेन, अब आगे जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो है बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट एंड डिजीजेस। इस टॉपिक का मतलब ये हुआ, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट एंड डिजीजेस का मतलब हुआ कि हमें इंसेक्ट से और डिजीजेस से अपने क्रॉप को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, इंसेक्ट से और डिजीजेस से अपने क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करना है, बट बायोलॉजिकल मेथड से। बायोलॉजिकल मेथड से मतलब हमें आर्टिफिशियल सिंथेटिक केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड नहीं यूज करना है, हमें वो प्रोडक्ट्स यूज करने हैं जो कि हमारे नेचुरल मेथड से प्रिपेयर किए गए हैं, या जो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं पहले से ही, हम उनको यूज करके और इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने का काम करेंगे और डिजीज को कंट्रोल करने का काम करते हैं। अब इनमें कई सारी इसके कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ेंगे कि जो नॉर्मल जो सिंथेटिक जो फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं, या जो सिंथेटिक्स केमिकल्स यूज करते हैं हम अपने एग्रीकल्चर में डिजीज को, इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए, उनके क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं और उनसे हम कैसे बच सकते हैं। ठीक है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं, फिर आगे जानेंगे इनके मेथड्स। इसके भी कई सारे मेथड्स होते हैं, एग्रोनॉमिकल मेथड होता है, बायोलॉजिकल मेथड होता है, या फिर सेल्फ मेड प्रोडक्ट से हम उसको ठीक करते हैं, तो बहुत सारे इसके टाइप्स आएंगे। तो पहले चलते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले इसके इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं, हम उसको ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो हमारे क्रॉप्स हैं वो हर जो भी सीजन में क्रॉप हो, या खरीफ क्रॉप हो या रबी क्रॉप हो, जितने भी क्रॉप्स हैं उसमें यहाँ पे कुछ फिगर्स दिए गए, 10 to 100% लॉस हो जाते हैं क्रॉप्स के, किसके चलते, इंसेक्ट्स के चलते। इंसेक्ट्स के चलते 10% से लेके और 100% तक भी कभी कभी फसलें खराब हो जाती हैं इंसेक्ट्स के चलते। ठीक है, अब इसमें से एक एवरेज निकाला जाए, अगर इंसेक्ट्स का एक एवरेज निकाला जाए, तो एक एवरेज निकालने पे, कैलकुलेट करने पे, एक डेटा हमें क्या मिलता है कि जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, इंसेक्ट वो 26% तक क्रॉप को खराब करते हैं, और 20% खराब होने के चांसेस किससे रहता है क्रॉप को, डिजीजेस से। ठीक है, जो डिजीजेस फैलती हैं उनसे। ठीक है, अब इसके बाद से बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डेटा के अकॉर्डिंग, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो जो हमारा पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी अलग अलग चीजों के लिए स्टैंडिंग कमेटी बनाई जाती है, तो उसी में स्टैंडिंग कमेटी जो है 2015-16 की जो स्टैंडिंग कमेटी है, उसने क्या पाया था कि द कंजम्पशन ऑफ पेस्टिसाइड इन 2013-14, मतलब साल 2013 से 2014 के बीच में, इस साल में 57,353 मेट्रिक टन पेस्टिसाइड यूज हुआ था हमारे कंट्री में, 57,353 मेट्रिक टन, इतना सारा पेस्टिसाइड हमारे यूज हुआ था। देखो देखिए, अब हम बात करेंगे जो पेस्टिसाइड्स होते हैं उनके यूज होने का मेजर क्या होता है। ठीक है, कोई भी डेवलपिंग कंट्री है या कोई भी डेवलप्ड कंट्री है, उस कंट्री के डेवलपमेंट का अंदाजा दो चीजों से लगाया जा सकता है। अगर हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करें, तो किसी भी कंट्री में एसिड का कंजम्पशन कितना होता है, इस अकॉर्डिंग पे, इस बिहाफ पे, उस कंट्री के डेवलपमेंट का हम अंदाजा लगा सकते हैं। जितना जिस कंट्री में जितना ज्यादा एसिड की कंजम्पशन होता है, उस कंट्री में उतना ही ज्यादा हम क्या कह सकते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। या अगर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की बात करें, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की बात करें, तो जो भी डेवलपिंग कंट्री है उसका उसकी एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हम यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स और यूज ऑफ फर्टिलाइजर, इन दो चीजों पे डिपेंड करता है, कितना अधिक आप फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं और कितना अधिक पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड यूज कर रहे हैं,
इस बात पे डिपेंड करता है कि उस वो कंट्री एग्रीकल्चरली कितना ग्रो कर रहा है, कितना डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 57,353 मीट्रिक टन इस 2013 से 14 के बीच में पेस्टिसाइड यूज हुआ था। देखो पेस्टिसाइड यूज करने के शॉर्ट टर्म इफेक्ट होते हैं, शॉर्ट टर्म इफेक्ट होते हैं मतलब इसका जो भी आपको बेनिफिट दिखेगा ना इमीडिएट दिखना स्टार्ट जाता है। मतलब अगर आपके फसल में इंसेक्ट्स लगे हुए हैं, अगर आपने पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड को यूज किया तो वो इमीडिएटली गायब हो जाते हैं, इमीडिएटली खत्म हो जाते हैं। बट इसके जो हार्मफुल इफेक्ट होते हैं ना वो लॉन्ग टर्म होते हैं, मतलब ये इसका जो हार्मफुल इफेक्ट होता है वो बहुत काफी दिनों तक दिखता रहता है। और इसके हार्मफुल इफेक्ट क्या होते हैं हम उसकी बात करेंगे। पहले हम जो इसमें जो डेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड है, पहले हम उस डेटा को देख लेते हैं। इंडिया में मोस्टली जो पेस्टिसाइड यूज होता है हमारे कंट्री में, वो मोस्टली हम नहीं बनाते, इम्पोर्ट करके हम लेकर आते हैं, दूसरी कंट्रीज हमें एक्सपोर्ट करती हैं, ठीक है, हम इम्पोर्ट करते हैं उनसे पेस्टिसाइड। 77,376 मीट्रिक टन 2013-2014 में हमने इम्पोर्ट किया था पेस्टिसाइड दूसरी कंट्री से, जिसमें से यूज कितना किया हमने 57,353 मीट्रिक टन हमने यूज कर लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में कि इसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं और ये कैसे हम पे हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, डालता है। सबसे पहले साइड इफेक्ट की बात करें तो ये किलिंग ऑफ माइक्रोब्स। देखिए जो भी सॉइल होता है, जिस भी सॉइल पे हम एग्रीकल्चर करते हैं, उस सॉइल के अंदर मोस्टली जो माइक्रोब्स होते हैं ना वो फ्रेंडली माइक्रोब्स होते हैं। फ्रेंडली माइक्रोब्स का मतलब गुड फॉर द एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम। एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम क्या होता है कि जिस भी खेत में हम खेती करने जा रहे होते हैं, जो भी फील्ड होता है, वो फील्ड अपने आप में एक इकोसिस्टम होता है। वहां पे वाटर प्रेजेंट होता है, मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, वहां पे फर्टिलाइजर प्रेजेंट होता है, सॉल्ट प्रेजेंट होता है वाटर के सॉइल के अंदर, और इन सारी चीजों को यूज करके प्लांट ग्रो होता है, ठीक है। तो ये जो उसके अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं, गुड माइक्रोब्स जो होते हैं, उनपे क्या होता है बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है, जिससे ये जो हार्मफुल जो पेस्टिसाइड्स हम डालते हैं तो गुड माइक्रोब्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और जो गुड माइक्रोब्स किसी भी सॉइल के अंदर खत्म हो जाएंगे, गुड माइक्रोब्स क्या जो कि हमारे लिए यूजफुल है, मोस्टली जो माइक्रोब्स होते हैं वो हमारे लिए यूजफुल ही होते हैं, उसमें से बहुत माइनर जो अप्रोक्स 10% जो माइक्रोब्स है ना टोटल अवेलेबल माइक्रोब्स में से, वो हमारे लिए हमारे एग्रीकल्चर के लिए हार्मफुल होते हैं, ठीक है। तो बस हमें क्या उसको उनको पहचानने की जरूरत होती है कि किन माइक्रोब्स का हम यूज कर सकते हैं अपने फायदे के लिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल दो एग्जांपल हैं, एक चाइना का और एक येमन का। चाइना में एंशियंट टाइम में आज नहीं, आज से हजारों साल पहले वहां पे एंट्स का यूज करते थे, किसके लिए, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिट्रस फैमिली के जो भी फ्रूट्स होते थे, जैसे ऑरेंज, लेमन या और भी जो भी सिट्रस फैमिली के प्लांट्स हुआ करते थे, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनमें जो लगे हुए इंसेक्ट्स होते थे उनसे प्लांट्स को बचाने के लिए जो चाइना के लोग थे वो क्या यूज करते थे, वहां के जो फार्मर्स थे वो एंट्स का यूज करते थे। वो क्या करते थे, उन प्लांट्स को लेकर एंट्स को छोड़ देते थे, फिर वो जो एंट्स होती थी उन इंसेक्ट्स को क्या कर देते थे, मार देते थे, और इस तरीके से उनके प्लांट्स क्या देते थे, बच जाते थे, और वो जो एंट्स थी उन प्लांट्स को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। यमन में अगर बात करें, यमन में इसका एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल की जो डेट्स का बहुत बड़ा सप्लायर है यमन। यमन में सबसे ज्यादा ड्राई फ्रूट्स का प्रोडक्शन किया जाता है, एक दो कंट्रीज को यूएई और ईरान एंड और एक दो कंट्रीज है और एक यमन, ये तीन चार जो कंट्रीज है वर्ल्ड के टॉप 5 कंट्रीज में आती है डेट सप्लायर में। डेट सप्लायर उसे हिंदी में खजूर कहते हैं, ठीक है। तो ये खजूर के फसलों को बचाने के लिए यमन में भी वो एंट्स का यूज करते थे, ठीक है। तो इसमें हमें डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत होती है कि कौन से जो इंसेक्ट्स हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल है और कौन से इंसेक्ट्स हमारे लिए हार्मफुल हैं। तो जो हमारे लिए बेनिफिशियल इंसेक्ट्स होते हैं हम उनका यूज क्या करते हैं, अपने बेनिफिट के लिए, और हार्मफुल इंसेक्ट्स को खत्म करने के लिए कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो था आपका पहला किलिंग ऑफ माइक्रोब्स की ये जो इम्पोर्टेंट माइक्रोब्स जो प्लांट्स जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है उन माइक्रोब्स को ये क्या कर देता है, खत्म कर देता है, जो भी सिंथेटिक फर्टिलाइजर से, जो भी सिंथेटिक हम पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा साइड इफेक्ट इसका क्या होता है कि एंट्री ऑफ केमिकल इन फूड चेन, मतलब जो हमारा फूड चेन होता है ह्यूमन बीइंग का, उन फूड चेन के अंदर केमिकल्स की एंट्री हो जाती है, ठीक है। जहां से भी फूड का जो भी हमारा सोर्स होता है उस सोर्स के अंदर केमिकल्स एंटर कर जाते हैं और फिर वो जाके हमारे फिजिकल
हमारे मेंटल, हमारे बॉडी के अंदर जो बायोलॉजिकल हेल्थ को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, ठीक है। ये तो था आपका इसका सेकंड साइड इफेक्ट। थर्ड साइड इफेक्ट जो है वो इसका है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कैसे, कि जो भी पेस्टिसाइड्स हम यूज करते हैं वो सॉइल के साथ मिक्स हो जाते हैं, और उस सॉइल के साथ मिक्स होने के बाद से वो वाटर बॉडीज में एंटर करते हैं विद द रेन वाटर, और फिर उस वाटर बॉडीज में जाने के बाद से उसके अंदर का जो भी एक्वेटिक लाइफ होता है वाटर के अंदर का, उस एक्वेटिक लाइफ को ये क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। तो ये इसके तीन मेन साइड इफेक्ट होते हैं केमिकल पेस्टिसाइड्स यूज करने का, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में देखते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस वही होते हैं, मैंने अभी बता ही दिया कि हेल्थ हजार्ड होते हैं, डिफरेंट टाइप के हमें क्या होते हैं, और डिजीजेस इससे पैदा होती हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम इसके सेकंड कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। सेकंड कॉन्सिक्वेंसेस इसका क्या है कि जब लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम्स अराइज होनी स्टार्ट होंगी, ठीक है, जब लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम्स अराइज होनी स्टार्ट हुई, तो पिछले कुछ सालों से, पिछले 5 या 10 सालों से लोगों का झुकाव किस तरफ बढ़ा है, लोग लीन हुए हैं किस तरफ, मोर फिल्टर्ड प्रोसेस ऑफ फार्मिंग की तरफ, मतलब ऐसे फार्मिंग प्रोसेस की तरफ जिसमें केमिकल्स का यूज ना होता हो या बिल्कुल कम होता हो, मींस ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ। ये एक बहुत ही फिल्टर्ड प्रोसेस ऑफ फार्मिंग है। तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ कि लीनिंग टू मोर फिल्टर्ड फार्मिंग प्रोडक्ट्स, मतलब ज्यादा से ज्यादा फिल्टर्ड फार्मिंग प्रोडक्ट्स की तरफ हमारा झुकाव बढ़ रहा है, ठीक है। अब ये जो फिल्टर्ड फार्मिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब जो ऑर्गेनिक फार्मिंग हम करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग के दो बेनिफिट्स होते हैं। पहला कि ये तो इकोनॉमिकल होता है, इकोनॉमिकल मतलब इसमें पैसे कम हमारे लगते हैं, एंड द सेकंड थिंग इज हेल्दी। ये क्या होता है, हमारी बॉडी के लिए हेल्दी होता है। तो ये थे इसके साइड इफेक्ट, और साइड इफेक्ट से निकलने वाले कॉन्सिक्वेंसेस, साइड इफेक्ट्स हुए तभी हमारे दिमाग में ये आइडिया आया ऑर्गेनिक फार्मिंग करने का। तो ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो गए, ठीक है, या इसको हम इसका अल्टरनेटिव भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम इसके बाद से बात करेंगे बायो इंसेक्टिसाइड्स की। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बायो इंसेक्टिसाइड्स। बायो इंसेक्टिसाइड्स में हम ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम बिना केमिकल्स का यूज किए इंसेक्ट्स को क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, और उसकी जगह पे हम अल्टरनेटिव इंसेक्टिसाइड का यूज कर सकते हैं, और वो अल्टरनेटिव इंसेक्टिसाइड क्या होगा, हमारा नेचुरली प्रिपेयर्ड इंसेक्टिसाइड होगा। तो अभी हमने पढ़ा था कि बायोलॉजिकल मेथड में कि कैसे हम इंसेक्ट्स के इंसेक्टिसाइड्स यूज करते हैं, तो उसके क्या हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि बायोलॉजिकल इफेक्ट में बायोलॉजिकल कंट्रोल कैसे करते हैं, ठीक है, कि उसके हम किस तरीके से इंसेक्ट्स का यूज करके या हम नेचुरल मेथड को यूज करके किस तरीके से इंसेक्ट्स को हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी उसी में हम चार मेथड पढ़ेंगे, ठीक है, वन बाय वन हम चार मेथड पढ़ेंगे लगातार। सबसे पहला मेथड है एग्रो कंट्रोल। एग्रो कंट्रोल का मतलब ये हुआ कि हम फिजिकली का मतलब किस तरीके से हम अपने जो एग्रीकल्चर का जो हमारा जो पैटर्न है, उस पैटर्न को कैसे हम थोड़ा सा चेंज कर दें, उस चेंज के चलते हमारे क्या हो जाए, इंसेक्टिस जो इंसेक्ट्स जो है या टर्माइट्स जो भी अटैक कर रहे हैं हमारे क्रॉप्स पे, वो क्या हो जाए, कम हो जाए। तो हम आइए उन प्रैक्टिसेस के बारे में पहले बात करते हैं। सबसे पहले है हाइजीन। हाइजीन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हाइजीन का मतलब है क्लीनलीनेस, ठीक है, जिसके चलते कई बार क्लीननेस ना रखने के चलते ही क्रॉप्स क्या हो जाते हैं, सफर कर जाते हैं, और क्रॉप्स में टर्माइट्स का क्या होता है, अटैक हो जाता है, जिसके चलते क्रॉप खराब हो जाते हैं, ठीक है। तो जिस भी क्रॉप का हम फार्मिंग कर रहे हैं उसके अंदर हाइजीन का हमें खास ध्यान रखना होता है, फर्स्ट मेथड है। सेकेंड चीज क्या है, प्रॉपर क्रॉप साइकिल। प्रॉपर क्रॉप साइकिल का मतलब यहाँ पर इस बात से है कि कोई भी आप क्रॉप लगाते हैं तो उसकी प्रॉपर टाइमिंग होती है, उसका एक प्रॉपर साइकिल होता है। अगर किसी क्रॉप को हमें हार्वेस्ट कर लेना है अगस्त में, हमने उसे अगस्त में हार्वेस्ट ना करके अगर हम उसे क्या अक्टूबर में हार्वेस्ट करते हैं, तो क्या वो प्रॉपर उससे हमें बेनिफिट मिल पाएगा, क्या उससे हमें प्रॉपर जो प्रोडक्टिविटी चाहिए वो मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी। मतलब जो प्रॉपर क्रॉप साइकिल है हमें उसे फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड है चेंज इन टाइम ऑफ सोइंग, मतलब कि अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पे फसल लगाने से आपको प्रोडक्टिविटी नहीं मिल रही है, तब हमें क्या कर देना चाहिए, उसकी टाइमिंग को चेंज कर देना चाहिए,
और किससे एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट से एडवाइस लेकर हमें क्या कर देना चाहिए, उसके जो सोविंग का टाइम है यानी कि जो बीज लगाने का जो टाइम होता है उसे हमें क्या करना चाहिए, चेंज करना चाहिए। क्योंकि मे भी हो सकता है कि अगर हमारे टाइम ऑफ सोविंग के चेंज करने से जो इंसेक्ट्स जो उस पर अटैक करते हैं वो क्या हो, वो रुक जाए। ठीक है, तो ये थर्ड चीज इसमें हम कंसीडर करेंगे। हम क्या पढ़ रहे हैं, एग्रो कंट्रोल। एग्रो कंट्रोल मतलब हमारे जो एग्रीकल्चर का जो पैटर्न है, हमारे जो फार्मिंग करने का जो तरीका है, हम उस तरीके में थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। ठीक, प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ न्यूट्रिएंट का मतलब क्या होगा कि कभी कभी ये भी हो सकता है कि किसी न्यूट्रिएंट्स के ना होने के चलते प्लांट्स में इंसेक्ट्स क्या कर देते हैं, अटैक कर देते हैं, जिसके चलते वो प्लांट क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगर न्यूट्रिएंट्स का जो बैलेंस है प्लांट में प्रॉपरली मेंटेन रहता है तब भी उसमें क्या होते हैं, टर्माइट्स एंड इंसेक्ट्स के अटैक के चांसेस बहुत क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। क्योंकि प्लांट की जो इम्यूनिटी होती है, जो उसका इम्यून सिस्टम होता है, वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रहता है। ठीक है, उसके बाद से मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग आप सबको पता है क्या होता है, मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब क्या होता है कि दो तीन क्रॉप्स हम आपस में मिक्स करके और उसे क्या करते थे, एक ही फील्ड के, सेम फील्ड के अंदर एक प्रॉपर पैटर्न के अंदर लगा देते हैं। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो शुगर कैन और मेज की मिक्स क्रॉपिंग बहुत ज्यादा की जाती है, मिक्स फार्मिंग बहुत ज्यादा की जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि उसमें अगर एक फसल, उसके दो कॉन्सिक्वेंसेज है, दो चीजों को ध्यान में रखकर फार्मर्स ऐसा करते हैं। पहला तो ये कि जो मेज में लगने वाले इंसेक्ट्स हैं वो शुगर कैन में नहीं लगते, और जो शुगर कैन में लगने वाले इंसेक्ट्स हैं वो मेज में नहीं लगते। तो अगर एक फसल खराब भी हो जाती है तो फार्मर्स को ज्यादा नुकसान उठाना नहीं पड़ता है। इसका दूसरी बात ध्यान में ये रखते हैं फार्मर्स कि कभी कभी क्या होता है ना कि जो इंसेक्ट्स होते हैं ना वो बाहर से अटैक करते हैं, मतलब एक्सटर्नल एजेंट से कैरी होकर फील्ड में एंटर करते हैं। तो इस कंसिक्वेंस इन चीजों से बचने के लिए भी क्या करते हैं फार्मर्स की फील्ड के चारों तरफ ऐसे प्लांट्स लगा देते हैं जिन पे टर्माइट्स के या इंसेक्ट्स के अटैक का खतरा बहुत कम होता है, और बीच में ऐसे क्रॉप्स लगाए जाते हैं जिनमें इंसेक्ट्स का अटैक का खतरा ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मिक्स्ड फार्मिंग। एंड सबसे लास्ट है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग प्रॉपर टाइम पे होनी चाहिए। अगर हार्वेस्टिंग प्रॉपर टाइम पे नहीं होता तो फिर क्या होता है, उससे दो तरीके की सिचुएशंस क्रिएट होती हैं। देखिए, हार्वेस्टिंग अगर आप टाइम से नहीं करेंगे तो इसमें सबसे पहला सिचुएशन ये क्रिएट होगा कि जो इंसेक्ट्स होते हैं जो कि डिपेंड करते हैं आपके क्रॉप पे, उसको खाकर वो सर्वाइव करते हैं। तो जब सारे फील्ड्स धीरे धीरे खाली होने स्टार्ट हो जाएंगे, सारे क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी, तब वो उन फील्ड्स की तरफ भागना स्टार्ट करते हैं इंसेक्ट्स जहां पर पहले से फसल खड़ी होती है। तो अगर आप लेट हार्वेस्टिंग करते हैं तो फिर इसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि आपके क्रॉप के नुकसान होने का चांसेस ज्यादा रहता है। तो ना तो हम पहले हार्वेस्टिंग कर सकते हैं ना ज्यादा लेट से हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। हार्वेस्टिंग करने का जो हमारा टाइम होना चाहिए बिल्कुल एप्रोप्रिएट होना चाहिए, ना तो हम ज्यादा लेट हार्वेस्टिंग करें ना ज्यादा पहले हार्वेस्टिंग करें। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लेट हार्वेस्टिंग, तो आप इस चीज को एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लेट हार्वेस्टिंग इज दैट इफ यू आर गोइंग थ्रू द लेट हार्वेस्टिंग देन द इंसेक्ट्स फ्रॉम ऑल ओवर द एरियाज नियर बाई ऑफ द स्टैंडिंग क्रॉप विल अटैक ऑन इट एंड डिस्ट्रॉय द क्रॉप। ठीक है, ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ठीक, अब बात करेंगे सेकंड मैकेनिकल कंट्रोल की। मैकेनिकल कंट्रोल का मतलब क्या हुआ कि हम विद द हेल्प ऑफ मशीनरी, या तो मशीन्स की हेल्प से मैकेनिकल आगे मशीन की हेल्प से, या खुद मैनुअली हम अपने हाथ से क्या करें, कुछ उसमें फील्ड के अंदर कुछ चेंजेस करें, उसी को हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल कंट्रोल कहते हैं। ठीक है, या मशीन्स की हेल्प से हम क्रॉप के अंदर कुछ क्या करें, पैटर्न बनाए, कुछ चेंजेस करें, हम उसी की बात करेंगे। सबसे पहला है मैनुअल डिस्ट्रक्शन ब्रशिंग ऑफ प्लांट्स। मतलब प्लांट के अंदर, उस क्रॉप के अंदर जो भी प्लांट्स लगे हुए हैं उसके अंदर जो भी वीड्स होते हैं, वीड्स आप सबको पता है अनवांटेड प्लांट्स, 7-8 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो जो अनवांटेड प्लांट्स हैं हम उनका क्या कर सकते हैं, मैनुअली हम उनको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। मैनुअली क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ठीक है,
एक एक वीड को, अगर फील्ड छोटा है तो, और अगर फील्ड बड़ा होता है तो उस कंडीशन में हमें पेस्टिसाइड यूज करना पड़ जाता है, केमिकल पेस्टिसाइड। तो उसी केमिकल पेस्टिसाइड को हटा के उसका हम अल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश करेंगे इसमें, बायोलॉजिकल कंट्रोल में और यूज ऑफ बायो इंसेक्टिसाइड्स में, ठीक है। तो मैनुअल डिस्ट्रक्शन ब्रशिंग ऑफ प्लांट्स हम करेंगे कब, जब फील्ड छोटा होता है, तब उस कंडीशन की यहाँ पे बात की गई है। सेकेंड है डिगिंग ऑफ ट्रेंच। डिगिंग ऑफ ट्रेंच का मतलब क्या हुआ कि हम क्या करते हैं, पतली पतली नालियां बनाते हैं फील्ड के अंदर, ठीक है। ऐसा ऐसे ट्रेंच हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि उसमें हमें वाटर कैनल से हम उसको जोड़कर और फील्ड्स में वाटर को सप्लाई करने के लिए, ठीक है। थर्ड बात करते हैं मेकिंग इंसेक्ट ट्रैप। मेकिंग ऑफ इंसेक्ट ट्रैप मतलब कई फील्ड्स में जहाँ पे मोस्टली इन वेजिटेबल फील्ड, जो ग्रीन वेजिटेबल्स के जो छोटे छोटे फील्ड्स में ग्रीन वेजिटेबल्स उगाए जाते हैं, वहां के जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को उसमें फंसाने के लिए, ट्रैप करने के लिए क्या बनाते हैं, छोटे छोटे नेट्स लगाते हैं या ट्रैप्स बनाते हैं, जिसमें इंसेक्ट्स अगर क्या होते हैं फंसते हैं और फिर क्या करते हैं, उन इंसेक्ट्स को वहां से वो दूर कहीं ले जाकर उनको हटा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फेंसिंग नेट अराउंड द प्लांट्स। ये जो फेंसिंग नेट अराउंड द प्लांट्स है, ये हम किसी क्रॉप में तो कर नहीं सकते, इसे मेज में, पैडी में, शुगर कैन में तो कर नहीं सकते, इन लार्ज स्केल पे जो क्रॉप्स हम उगाते हैं, फसल उगाते हैं, उसमें तो हम नहीं कर सकते। ये हम किस में कर सकते हैं, फ्रूट क्रॉप्स में, वेजिटेबल क्रॉप्स में, इनमें हम कर सकते हैं। जो प्लांट्स होते हैं प्रॉपर, जो हमें इंडिविजुअली जो हम प्लांट्स लगाते हैं, जैसे गुआवा के क्रॉप हम अगर लगा रहे हैं, मैंगो के प्लांट्स लगा रहे हैं, छोटे छोटे प्लांट्स हैं जिनपे टर्माइट्स के, इंसेक्ट्स के अटैक होने के चांसेस हैं, हम उन प्लांट्स को इंसेक्ट से बचाने के लिए उसके अंदर चारों तरफ क्या कर देते हैं, नेट से फेंसिंग कर देते हैं ताकि उसमें इंसेक्ट्स ना आए, ठीक है। और ये ध्यान रखना हमेशा, ये नॉर्मल क्रॉप्स हम नहीं लगाते हैं जो लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करते हैं, ये हम सीरियल्स पे नहीं लगा सकते इसको, हम कहां पे लगाते हैं इसको, फ्रूट क्रॉप्स पे या ग्रीन वेजिटेबल क्रॉप्स पे ही लगाते हैं। अब बात करते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल का मतलब क्या हुआ कि गुड इंसेक्ट्स आर यूज्ड टू डिस्ट्रॉय बैड इंसेक्ट, दैट्स इट, इट इज नोन एज बायोलॉजिकल कंट्रोल। मतलब कि हम ऐसे इंसेक्ट्स का यूज करते हैं बैड इंसेक्ट्स को हटाने के लिए, जो कि हमारे लिए क्या होते हैं, बेनिफिशियल है और वो उस क्रॉप को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, इसी को बायोलॉजिकल कंट्रोल कहते हैं। आइए देखते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल में क्या क्या है। सबसे पहला है पैराजाइट्स। पैराजाइट्स का मतलब क्या होता है कि ऐसे इंसेक्ट या ऐसे वॉर्म्स जो किसी दूसरी बॉडी के अंदर रह करके और फिर क्या करते हैं, उसके बॉडी के न्यूट्रिएंट्स को यूज करके और सर्वाइव करते हुए हम क्या कहते हैं, पैराजाइट्स कहते हैं। तो कुछ ऐसे छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं जो कि पैराजाइट्स की तरह दूसरे इंसेक्ट्स की बॉडी में जाते हैं और फिर उनके बॉडी में जाने के बाद से ये जो बैड इंसेक्ट्स हैं उनको क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो ये पैराजाइट जो हमारे लिए, फार्मर्स के लिए क्या होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं। ये तो हो गए प्रीडेटर। प्रीडेटर का मतलब वो होता है, हिंदी में बोलते हैं प्रीडेटर का मतलब शिकार करने वाले, ठीक है, अपने प्रे को पकड़कर खाने वाले, ठीक है। तो कुछ ऐसे प्रीडेटर इंसेक्ट्स जो होते हैं ना, वो छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खाते हैं, वो पत्तों को नहीं खाते। प्रीडेटर इंसेक्ट जो है ना, प्लांट के लीव्स को नहीं खाते, छोटे छोटे इंसेक्ट्स को वो क्या करते हैं, उनका फूड होते हैं। तो हम प्रीडेटर इंसेक्ट्स का यूज करके उन छोटे छोटे इंसेक्ट्स को क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। थर्ड है पैथोजेंस। पैथोजेंस जो होते हैं, पैथोजन इंसेक्ट, पैथोजन की कैटेगरी में कुछ इंसेक्ट्स भी आते हैं। ये क्या करते हैं, ये पॉइजनस होते हैं। किन के लिए पॉइजनस होते हैं, हमारे प्लांट के लिए पॉइजनस नहीं होते, ये पॉइजनस होते हैं उन हार्मफुल इंसेक्ट्स के लिए जो कि हमारे प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। उसके बाद से आते हैं थ्रेड वर्म्स। इनका नाम ही है थ्रेड वर्म्स। ये देखने में धागे की तरह होते हैं और लंबे लंबे होते हैं। ये भी क्या करते हैं, प्लांट्स को नुकसान नहीं पहुंचाते। जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं ये क्या करते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। और सबसे लास्ट में वायरस। जो वायरस होता है, वायरस क्या करता है, वायरस का काम भी क्या होता है, दो तरीके का वायरस होता है, आपको ही पता होगा, गुड वायरस एंड बैड वायरस। जो कि गुड वायरस जो कि हमारे फार्मिंग के, एग्रीकल्चर के एक्टिविटीज में हमारे हेल्प करे, उसे हम गुड वायरस की कैटेगरी में रखते हैं। और ये वायरस तो हम कहीं से ले आकर फील्ड में डाल नहीं सकते। ये जो वायरस होते हैं किसी पर्टिकुलर इंसेक्ट के अंदर पाए जाते हैं और उस इंसेक्ट को हम क्या करते हैं, फील्ड्स में रिलीज करते हैं। वो इंसेक्ट जो होता है उस वायरस को रिलीज करता है और वो वायरस जाकर हार्मफुल इंसेक्ट्स को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है।
अब हमारा नेक्स्ट है यूज ऑफ बायो इंसेक्टिसाइड्स। अब बायो इंसेक्टिसाइड्स क्या होते हैं, इन दोनों के बारे में ही हमें अब आगे पढ़ना है पूरा। एक तो बायोलॉजिकल कंट्रोल के बारे में और दूसरा बायो इंसेक्टिसाइड्स के बारे में। बायोलॉजिकल कंट्रोल में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम एक इंसेक्ट का यूज करके दूसरे इंसेक्ट को मार रहे हैं, और दूसरा बायो इंसेक्टिसाइड्स या बायो पेस्टिसाइड्स हम किसको कहते हैं, जो नेचुरली प्रिपेयर्ड, जो नेचर में पहले से अवेलेबल है, उसी का यूज करके हम क्या कर रहे हैं, हार्मफुल इंसेक्ट्स को किल कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं बायो इंसेक्टिसाइड। जैसे एग्जांपल है नीम, जो नीम के लीव्स होते हैं ना, नीम के लीव्स का हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन बना के और उसे फील्ड में स्प्रेड करते हैं, स्प्रे करते हैं, जिससे क्या होते हैं, जो हार्मफुल इंसेक्ट्स होते हैं वो मर जाते हैं। सेकेंड होता है करंज, करंज भी एक क्या है, नेचुरली ऑब्टेंड इंसेक्टिसाइड है। फिर आता है हमारा गार्लिक, गार्लिक भी आप सबको पता है, इसका भी सॉल्यूशन बना के और हम क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे, ये थे हमारे चार मेथड। इन चारों तरीके से हम क्या करते हैं, अपने क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय होने से बचाते हैं इंसेक्ट्स। ओके, तो जैसा कि अभी हमने प्रीवियस अभी मैंने आपको क्या बताया था, किसके बारे में हम पढ़ रहे थे, बायोलॉजिकल कंट्रोल के बारे में पढ़ रहे थे। बायोलॉजिकल कंट्रोल में मैंने अभी आपको क्या बताया था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स के बारे में, गुड इंसेक्ट्स के बारे में, जो उसके हेल्प से हम बैड इंसेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, हम उसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, मैंने अभी आपको क्या बताया कि दो तरीके के इंसेक्ट्स होते हैं, गुड इंसेक्ट्स होते हैं एंड हमारे जो हार्मफुल होते हैं, ठीक है। हम गुड इंसेक्ट्स का यूज करके, बेनिफिशियल इंसेक्ट्स का यूज करके हम क्या करेंगे, हार्मफुल इंसेक्ट्स को डिस्ट्रॉय करेंगे। अब हम इसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला इसमें जो आते हैं इस कैटेगरी में, वो होते हैं स्पाइनल हंटर ऑर्गेनिजम्स आते हैं, स्पाइनल हंटर ऑर्गेनिज्म। मैं बताऊंगा ये क्या होता है, पहले टाइप्स देख लेते हैं। दूसरा होते हैं प्रीडेटर इंसेक्ट्स, प्रीडेटर इंसेक्ट। तीसरे होते हैं पैराजाइट इंसेक्ट्स। इसके बाद से आता है फंगस, फंगस के बाद आता है हमारा वायरस, ठीक है। इसके बाद से और भी एक दो कैटेगरी आती हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पाइनल हंटर ऑर्गेनिज्म्स के बारे में, ठीक है। देखिए, स्पाइनल हंटर ऑर्गेनिज्म नाम ही आ रहा है हंटर, हंटर आई थिंक हिंदी में आप सबको पता होगा क्या होता है हंटर का मतलब, ठीक है। हंटर का मतलब हिंदी में होता है शिकारी, ठीक है। तो स्पाइनल हंटर ऑर्गेनिज्म का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म से है, ऐसे स्पेसीज से है जो क्या करते हैं, छोटे छोटे दूसरे इंसेक्ट्स को क्या करते हैं, मारकर खाते हैं, ठीक है। जैसे फिश हो गए, फिश जो है वो छोटे छोटे वर्म्स को खाती है, स्नेक है वो भी ऐसा करते हैं, बर्ड्स हो गए, ठीक है। ये जितने भी हैं ये क्या करते हैं, हमारे लिए क्या है, ये फ्रेंडली है। ये क्यों, क्योंकि ये जो फील्ड में लगने वाले वर्म्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, उनको मार के खा जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या है, फ्रेंडली है, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, इन ग्राम फील्ड मतलब चने के खेत में कार्निवोरस बर्ड्स का यूज किया जाता है लिग्यूम पेनिट्रेटर से बचने के लिए। लिग्यूम पेनिट्रेटर मैं आपको बता दूं एक तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और ये क्या करता है, प्लांट के जो रूट्स होते हैं ना, उन रूट्स को क्या करने का, डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, प्लांट के रूट्स को कंप्लीटली डिकम्पोज कर देता है और उनके लीव्स पर भी अटैक करता है। इसको हम लिग्यूम पेनिट्रेटर कहते हैं। इस लिग्यूम पेनिट्रेटर को क्या करते हैं कार्निवोरस बर्ड, ये क्या करते हैं, उसको खा जाते हैं, ठीक है। और इसको कार्निवोरस बर्ड को बुलाने के हमारे पास क्या होते हैं, टेक्निक्स होती है कि हम इनको फील्ड में कैसे बुलाएं। तो अब हम जब कार्निवोरस बर्ड्स को फील्ड में हम क्या करते हैं, कुछ भी करके उनको हम क्या करते हैं, फील्ड में बुलाते हैं। जब कार्निवोरस बर्ड्स फील्ड में आ जाती हैं अट्रैक्ट होकर किसी भी चीज से, उसका बहुत सारे टेक्निक्स हैं, ठीक है। जब वो आते हैं फील्ड में, फील्ड में आने के बाद से फिर वो क्या करते हैं, इन लेग्यूम पेनिट्रेटर को क्या करते हैं, अपना फूड बना लेते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारा प्रीडेटर इंसेक्ट्स। प्रीडेटर इंसेक्ट्स का मतलब ये हुआ कि ऐसे इंसेक्ट्स जो दूसरे इंसेक्ट को खाते हैं, उन्हें हम प्रीडेटर इंसेक्ट्स कहते हैं। प्रीडेटर का मतलब भी शिकारी होता है, ठीक है। दूसरा, अब इसके हम क्या करते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं, इट्स द हार्मफुल इंसेक्ट, मतलब ये हार्मफुल इंसेक्ट छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं, उनको ये क्या कर देते हैं, अपना शिकार बना लेते हैं, अपना प्रे बना लेते हैं, ठीक है। अब इसके भी टाइप्स हैं, दो तरीके के इसके टाइप्स हैं, दो टाइप हैं इसके। पहला है क्राइस्टोपीडस और दूसरा है कॉक्सिनेला।
पहला है क्राइस्टोपीडस और दूसरा है कॉक्सिनेला, इनके बीच में डिफरेंस क्या है अब इसकी बात करते हैं। है दोनों प्रीडेटर। ये जो क्राइस्टोपीडस है ना, क्राइस्टोपीडस, ये कैपा, थ्राइप्स, गैसिडस, फुदका, व्हाइट फ्लाई और इनके जो एग्स होते हैं, इतने टाइप के हार्मफुल इंसेक्ट्स को ये क्या करता है, खाता है। ये जितने भी मैंने नाम लिखे हैं यहाँ पे, ये सब हार्मफुल इंसेक्ट्स की वैरायटीज हैं, ठीक है। छप्पा, थ्राइप्स, गैसिडस, फुदका, व्हाइट फ्लाई, ये सब छोटे 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 हार्मफुल इंसेक्ट्स होते हैं जो कि हमारे क्रॉप्स को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। तो जो क्रिसोपीडस होता है ना, ये इनको क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। और इनके लार्वा, इनके एग्स को भी खा जाता है ये, ठीक। अब ये जो क्रिसोपीडस होता है, इंडिया में इसकी 21 स्पेसीज पाई जाती है। कितनी? 21। और इन 21 में से 4 स्पेसीज इसकी मेन है, ठीक है। उसके बारे में आपने कभी नहीं पढ़ना, बस मैंने स्पेसीज के बारे में आपको बता दी। कितनी टोटल स्पेसीज है? 21। और 4 इसकी मेन स्पेसीज है जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको जब ज्यादा यूज करते हैं, जो फार्मर्स होते हैं वो ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कॉक्सिनेला स्पेसीज। कॉक्सिनेला स्पेसीज देखिए जो होते हैं ना, ये हमें एज अ फार्मर हम इन्हें क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। कॉक्सिनेला स्पेसीज की जो लार्वा होते हैं ना और इनके जो एग्स होते हैं, वो बिकते हैं, फार्मर्स उनको खरीदते हैं, अपने फील्ड्स में ले जाकर क्या कर देते हैं, स्प्रेड कर देते हैं। फील्ड में ले जाकर क्या कर देते हैं, स्प्रेड कर देते हैं। और स्प्रेड करने के एक महीने के भीतर, मात्र एक महीने के भीतर, ये कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं हार्मफुल इंसेक्ट्स को। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, इन वन मंथ दे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय द महू। महू जो है एक हार्मफुल क्या है, ये इंसेक्ट है जो कि बहुत लार्ज अमाउंट पे क्या करते हैं, ये पूरे फील्ड को ही कवर कर लेते हैं, ठीक है। ये मोस्टली मस्टर्ड में भी लगते हैं, सरसों के खेतों में भी लगते हैं। ये क्या करते हैं, पूरे कंप्लीटली कवर कर लेते हैं फील्ड को, और फिर क्या करते हैं, जो फ्लावर्स होते हैं ना प्लांट के, फ्लावर्स, लीव्स, इन सबको क्या कर देते हैं, खा जाते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और फिर वो प्लांट क्या हो जाता है, सूख जाता है, ठीक है। तो ये जो कॉक्सिनेला की जो स्पेसीज है, ये इन महू जो हार्मफुल स्पीसीज है, इनको खाने को, इनको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, ठीक है। अब इसके इसके भी वैरायटीज है, इसके भी एग्जांपल है, कॉक्सिनेला, क्रिपोटिलम, ब्यूमस, ये सब क्या है, इसके वैरायटीज है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं पैराजाइट इंसेक्ट पे। पैराजाइट नाम से ही क्या पता चलता है, पैराजाइट का मतलब क्या होता है, लिविंग इन अदर्स बॉडी। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रहते हैं और उससे मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स से सर्वाइव करते हैं, ये मैंने बताया भी था कुछ देर पहले। तो जो पैराजाइट इंसेक्ट्स होते हैं वो भी यही काम करते हैं। देखो पैराजाइट इंसेक्ट जो होते हैं ना, ये क्या करते हैं, किसी दूसरे, जो एक पैराजाइट होता है ना, वो क्या करता है, किसी दूसरे स्पीसीज के अंदर जाकर अपने एग दे देता है, अपने एग को रिलीज कर देता है दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर। अब वो जो उसका एग है, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या हो रहा है, डेवलप होता है, प्रिपेयर होता है, और फिर जब वो प्रिपेयर हो जाता है, फुल्ली डेवलप हो जाता है, तो वो उसके बॉडी के न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब कर रहा है। तो जो होस्ट बॉडी होती है ना, होस्ट मतलब जिसमें वो रह रहा होता है, वो क्या होता है, धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है, और कमजोर पड़ते पड़ते क्या होता है, फिर अल्टीमेटली उसकी क्या करती है, डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है इसमें पैराजाइट में। अब पैराजाइट के दो मेन टाइप, टाइप्स तो इसके बहुत सारे हैं, 8-10 टाइप्स है, लेकिन मेन दो टाइप्स हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। देखो जो पैराजाइट्स होते हैं ना, वो 8-10 तरीके से काम करते हैं। कैसे? रूट्स में लगने वाले अलग हार्मफुल ऑर्गेनिज्म होते हैं, लीव्स में लगने वाले अलग, फ्लावर्स में लगने वाले अलग, स्टेम में लगने वाले अलग होते हैं, मतलब प्लांट के अलग अलग ब्रांचेस में, अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग तरीके के हार्मफुल इंसेक्ट्स अटैक करते हैं। अब इन अलग अलग तरीके के हार्मफुल अटैक से डील करने के लिए, इनसे रिकवरी करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अलग अलग तरीके के पैराजाइटिक इंसेक्ट्स को, पैराजाइटिक ऑर्गेनिजम्स को रिलीज करना पड़ता है। ये इसके बहुत सारे जो अलग अलग टाइप्स है ना, वो क्या करते हैं, स्पेसिफिकली अपने जो इनका जो प्रिस्क्राइब्ड लोकेशन होता है, ये सिर्फ उसी लोकेशन पे काम करते हैं, और फिर वहां जो लगे हुए हैं ना ऑर्गेनिज्म, हार्मफुल ऑर्गेनिज्म, उनको ये क्या कर देते हैं, जाकर डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले जो इसके दो इंपॉर्टेंट वो पढ़ लेते हैं, सबसे पहले ट्रिकोग्रामा और दूसरा है एपीरिकेनिया। ट्रिकोग्रामा और एपीरिकेनिया, ये सब नाम को याद करने पड़ेंगे। तो जो ट्रिकोग्रामा है जो है ना,
ये एक एग पैराजाइट है। एग पैराजाइट का मतलब क्या हुआ कि ये अपना जो एग है ये दूसरे हार्मफुल बॉडी के अंदर, हार्मफुल ऑर्गेनिज्म के अंदर रिलीज करता है। वो एग उसके अंदर जब डेवलप होता है तो फिर वो जो होस्ट बॉडी है उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और फिर इस तरीके से धीरे धीरे क्या होते हैं, पूरे सारे ऑर्गेनिज्म कंट्रोल्ड हो जाते हैं। ठीक है, यूज टू कंट्रोल स्टेम रूट एंड बॉलरूम पेनिट्रेटर। देखो ये जो स्टीम पेनिट्रेटर अलग होता है, रूट पेनिट्रेटर अलग होता है, लीफ पेनिट्रेटर अलग होता है, फ्लावर पेनिट्रेटर अलग होता है। इन सबको कंट्रोल करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ट्रिकोग्रामा का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एपायरिकेनिया। एपायरिकेनिया जो होता है ये भी एक तरीके का पैराजाइट इंसेक्ट है। इसको हम पेरिला नाम के हार्मफुल इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं, जो कि मोस्टली मेज मक्के की फसल में एंड शुगर कैन गन्ने की फसल में पाए जाते हैं। ठीक, ये तो हो गया हमारा कंप्लीट। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो हमारा है फंगस। देखो फंगस दो टाइप के होते हैं, एक हार्मफुल और एक बेनिफिशियल। जो हार्मफुल होते हैं वो क्या करते हैं, प्लांट्स को डिकम्पोज करने का काम करते हैं। और जो बेनिफिशियल होते हैं ना, बेनिफिशियल फंगस का हम यूज किस तरीके से करते हैं, प्लांट को और उनके जो रूट्स हैं उनको डेवलप करने में, उसके अंदर क्या करने में, नाइट्रोजन को फिक्स करने में, इन सारी चीजों के लिए यूज करते हैं हम फंगस का। तो देखो जो फंगस है, फंगस की एक वैरायटी है जिसका नाम है ट्रिकोडर्मा। जो ट्रिकोडर्मा फंगस है ना, ट्रिकोडर्मा, वो क्या करते हैं हम उसको 6 to 8 grams पर किलो सीड में। देखो जो सीड हम लगाते हैं ना पहले फसल से, हम 1 kilo सीड में 6 to 8 grams ट्रिकोडर्मा फंगस मिक्स करके और फिर क्या करते हैं हम उसको सोइंग करते हैं। इससे क्या होता है, उसमें बैड फंगस नहीं लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे है कॉलर रॉट। कॉलर रॉट जो है एक हार्मफुल ऑर्गेनिज्म है। ये क्या, ग्राउंड नट में लगता है, जो उसके ग्राउंड नट के ऊपर जो छिलका होता है ना, जो उसका कवर, वो क्या होता है, सड़ना स्टार्ट होता है, डिकम्पोज होना स्टार्ट होता है ग्राउंड के अंदर, उसमें कॉलर रॉट फंगस लग जाने के चलते। तो उससे बचने के लिए हम गुड फंगस का यूज करते हैं, जो कि उसको क्या कर देता है, रोकता है सड़ने से। नेक्स्ट क्या है इसका, रूट डिकम्पोजिशन ऑफ सोयाबीन। जो बैड फंगस होता है ना, सोयाबीन प्लांट्स के रूट को क्या करता है, डिकम्पोज करने का काम करता है। उस कंडीशन में भी हम ट्रिकोडर्मा का यूज करते हैं। ये ट्रिकोडर्मा क्या करता है, उसके रूट्स को डिकम्पोज होने से, बैड फंगस से प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। अब हम आगे की क्लास, नेक्स्ट आगे के टॉपिक्स नेक्स्ट क्लास में लेंगे, जिसमें कि हम और जो इस तरीके के जो भी हमारे हेल्पफुल, जो हमारे लिए हेल्पफुल ऑर्गेनिजम्स हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, हमारा एक इसमें टॉपिक रह गया था, तो हम अभी इसे कंप्लीट कर लेते हैं। अभी इसके 3-4 टॉपिक पहले पढ़ लिए हमने, प्रीडेटर्स के बारे में पढ़ लिया, फंगस के बारे में पढ़ लिया, ठीक है ना, और भी 2-3 चीजों के बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है, इसको हम फिनिश कर देते हैं। ठीक है, हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, फ्रेंडली इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसके लास्ट में जो 3 बच गए थे, 4, वो हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसको हम एंड कर देंगे। ठीक है, अब देखो 4 तो हमने पढ़ लिए। ठीक है, फंगस के बारे में पढ़ लिया, प्रीडेटर इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ लिया, और बर्ड्स स्नेक्स के बारे में पढ़ लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट है 5th, वो है हमारा बैक्टीरिया। देखो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हार्मफुल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे लिए फ्रेंडली होते हैं, नॉर्मली सब में होता है। तो इसमें जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में जो कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया है जो कि हमारे लिए क्या है, यूजफुल है, उन्हीं बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नाम है, बेसिकली आपको सबका नाम याद करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट नाम ही है। ठीक है, क्योंकि हम सबको पता है बैक्टीरिया क्या काम करता है, हम उनके नाम, उनके स्पीशीज के बारे में हमसे पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो जो बैसिलस थ्यूरिंगिनेसिस जो है, इसको शॉर्ट फॉर्म बीटी कहते हैं, बीटी, ये क्या कंट्रोल करता है, लेपिडॉप्टेरा, डैप्टेरा, कॉलीपेरा, इन स्पीसीज, ये 3 जो स्पीसीज है, इन तीनों स्पीसीज के हार्मफुल इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने का काम करता है कौन, बीटी, शॉर्ट फॉर्म में बीटी कहते हैं, और लॉन्ग इसका नाम क्या है, बैसिलस थ्यूरिंगिनेसिस। ठीक है, इसे हम 10 kg पर हेक्टेयर स्प्रेड करते हैं, कितना, 10 kg पर हेक्टेयर स्प्रेड करते हैं, तो फिर ये जो तीनों स्पीसीज के जो इंसेक्ट्स हैं वो कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट है हमारा वायरस। वायरस में क्या है, वायरस के भी स्पीसीज हैं। ठीक है, बहुत सारे स्पीसीज हैं, इसमें जो इसकी जो मेन स्पीसी है उसका नाम है बैक्यूलोविरिडे। बैक्यूलोविरिडे जो है वायरस की मेनली तो 7 स्पीसीज ऐसी पाई गई है जो कि हमारे लिए यूजफुल है, 7।
अब इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है बैक्यूलोविरिडे फैमिली। अब बैक्यूलोविरिडे जो फैमिली है इसके दो स्पेसीज हैं। इसके दो क्या है स्पेसीज हैं जो कि हमारे लिए मोस्टली यूजफुल है, जिनका जिनको हम एनपीवी और जीवी नाम से बोलते हैं। एनपीवी मतलब है न्यूक्लियर हाइड्रोलाइसिस वायरस और जीवी का मतलब है ग्रेनुलोसिस वायरस। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट आपको नाम याद करने पड़ेंगे। ठीक है, अब हम इसका यूज देख लेते हैं कि क्या यूज में आता है। सबसे पहले तो ये जो लिग्यूम पेनिट्रेटर होते हैं ना, लिग्यूम पेनिट्रेटर ने बताया कि रूट्स में स्टीम में ये अटैक करते हैं। तो जो लिग्यूम पेनिट्रेटर होते हैं ना ग्राम में, ग्राम मतलब चना, इसमें जो है हेलिकोवर्पा एनपीवी, ये जो एनपीवी मैंने बात की न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस, ये हम यूज करते हैं कितना 750 ml पर हेक्टेयर के रेट से। तो ये लिग्यूम पेनिट्रेटर जो है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आपका थ्रेड वॉर्म से। देखो बेसिकली जो थ्रेड वॉर्म है ना वो भी पैराजाइट ही होता है, एक्सटर्नली और इंटरनली दो तरीके के पैराजाइट होते हैं, एक्सटर्नल पैराजाइट इंटरनल पैराजाइट। इंटरनल पैराजाइट जो प्लांट की बॉडी के अंदर होते हैं और इंटरनल पैराजाइट जो प्लांट या किसी एनिमल की बॉडी के बाहर से लगे होते हैं। तो ये दोनों तरीके से होते हैं थ्रेड वॉर्म, इंटरनल पैराजाइट भी होता है और एक्सटर्नल पैराजाइट भी होता है। ये क्या करता है, स्टीम पेनिट्रेटर जो मक्के की फसल में मेज की क्रॉप में जो स्टीम पेनिट्रेटर होता है उसको रोकता है, लिग्यूम पेनिट्रेटर इन ग्राम चने में जो लिग्यूम पेनिट्रेटर होता है उसे रोकता है, और स्टीम पेनिट्रेटर इन राइस, राइस के प्लांट्स के जो स्टीम होते हैं उसमें जो पेनिट्रेटर लगे होते हैं उसको रोकने का काम करता है। नेक्स्ट हमारा होता है प्रोटोजोआ और ये लास्ट है। ठीक है, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ जो होता है ये क्या काम करता है कि ये इंफेक्शन फैलाता है इंसेक्ट्स के अंदर, जो हार्मफुल इंसेक्ट्स होते हैं ना उनके अंदर ये क्या कर देता है, उनके कॉन्टेक्ट में जैसे आता है उनके अंदर इंफेक्शन फैलना स्टार्ट होता है और वो मरना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसका एक इसकी एक फैमिली है, प्रोटोजोआ की एक फैमिली है जिसका नाम है नोसेमा। नोसेमा फैमिली जो है प्रोटोजोआ का, इसका ये इसको सबसे बेनिफिशियल प्रोटोजोआ की फैमिली मानी जाती है। क्यों, क्योंकि जब इसको हम फील्ड में यूज करते हैं ना इस फैमिली को, तो जो ग्रास हॉपर होता है ना फील्ड के अंदर वो क्या होता है कंप्लीटली कंट्रोल्ड हो जाते हैं विद इन वन वीक के अंदर में। ठीक है, तो इसको मोस्ट बेनिफिशियल फैमिली की कैटेगरी में हम रखते हैं। ठीक है,